If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. Hello, namaste, how are you all today? आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है. आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 6 प्रकार के फ्लावर किस तरह से मैं ड्रॉ करती हूँ उसका डेमोंस्ट्रेशन दिया है. अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे जिस तरह से मैं फ्लावर्स को ड्रॉ कर रही हूँ उसको आप ध्यान से स्टडी करोगे तो हर एक फ्लावर का एक बेस है. बेस माने जो बिगिनिंग जहाँ से फ्लावर ड्रॉ करने की शुरुआत होती है तो उनकी एक बेस पेटल है और फिर उसके सराउंडिंग हमने डिफरेंट तरह के पेटल अरेंज किए हैं और एक कम्प्लीट फ्लावर बनाया है. तो जब भी हम कोई भी फ्लावर ड्रॉ करते हैं तो आगे भी मैं विभा गालाक जी का जब वीडियो मैंने किया था रेफरेंस डिज़ाइन को लेके तब आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हर एक फ्लावर का अपना खुद का भी एक बेस पेटल होता है और फिर उसके आजू बाजू हम दूसरी जो पेटल्स होती हैं उसको अरेंज करते हैं. तो अगर आप ध्यान से आज देखोगे तो हर एक फ्लावर का जो मैंने बेस लिया है वो अलग अलग लिया है और उसके आजू बाजू मैंने जो पेटल अरेंज की है वो भी थोड़ी अलग है एक दूसरे से. तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा. मैंने सिर्फ 6 फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ किए हैं लेकिन अगर आप हर एक फ्लावर का जो बेस है और उनकी पेटल अरेंजमेंट है उसको इंटरचेंज करोगे तो आप उससे बहुत सारे नए फ्लावर्स अपने हिसाब से क्रिएट कर सकोगे अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके. तो यही एक बेनिफिट होता है हम कैसे दूसरों को ऑब्जर्व करके अपना कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं. जैसे मैं हमेशा लेआउट और डिज़ाइन की जो हमारी वीडियोस होती हैं ट्यूटोरियल होती है उसमें मैं बताती रहती हूँ कि रेफरेंस लो इंस्पिरेशन लो और उससे आप अपना कुछ नया बना सकते हो. तो इसी तरह फ्लावर्स के साथ भी आप कर सकते हो. तो मैं चाहती हूँ कि आप इस फ्लावर्स को एज ए इंस्पिरेशन लेके नए नए उसकी अरेंजमेंट पैटर्न अलग अलग तरीके से करके कुछ नए फ्लावर्स आप अपनी तरह से डेवलप कीजिए और हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पे आप शेयर कीजिए ताकि आपके नए क्रिएशन से हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा. इस तरह के जो फ्लावर अरेंजमेंट हैं वो हम ज़्यादातर नेगेटिव स्पेसिंग वाली रिवर्स मेहंदी जो करते हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप चाहो तो किसी और तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. यहाँ पे मैंने 6 अलग प्रकार के बेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. आप चाहो तो गल्फ फ्लावर में जो हम बेस इस्तेमाल करते हैं छोटे वाले फ्लावर्स वगैरह राउंड पेटल वाले उसका इस्तेमाल करके भी आप कुछ नया क्रिएशन कर सकते हो. मैं आपको ये एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली मुझे कमेंट के ज़रिए बताना मत भूलिएगा. थैंक यू एवरीवन. Hello everyone, my today's video is very short and simple where I have shared 6 different types of flowers with all of you. If you watch it carefully then you will realize that each and every flower has different base and around those base I have created various type of petal arrangement. So if you remember during Vibha Galaji's Mehndi design, the way we did a reference design from her design, I told you that each and every flower has one base petal. From that we start drawing that flower. So here also the way I told you that each and every flower has a different base petal. So now what you can do, you can exchange those base petal with petal arrangement with other flower and then you can create many more flower inspired from this given flower today. So that could be your own creativity. I always keep telling you all that take inspiration from other artists and see how they are using other element and from that you can create something your own. So very similar thing you can do with small elements also, such as this type of flower. Now you can take similar base the way I have drawn here and use some other type of petal arrangement surrounding that base and create something very different from whatever I have drawn today.
And you can share your creation with us on my Facebook page. So from your creation, we can also take some inspiration and we can also learn something new. And because flowers are very versatile and you can draw them the way you want to draw them. If you are not doing realistic drawing, then you can do lots of experiment with flower drawing, and it's actually sometimes very fun and very interesting, because every time we can come up with something very different with this kind of flower arrangement. And this kind of flower arrangement you can use in a reverse style mehndi, negative spacing mehndi, and they are in too much fashion right now. So I hope my today's video is very helpful to all of you. Do not forget to let me know through your comment, and till we meet again, stay blessed, stay inspired. See you everyone. Thank you. Take care. Bye bye. See you.